अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद तक रहमान और आप देख रहे हैं नैंड फाइल। दोस्तों आज हम फिर आपके लिए एक कंपैरिजन वीडियो लेके आए हैं। आज हम जिन दो गाड़ियों का कंपैरिजन करने लगे हैं वो है DFS के Glory 580 Pro और Hyundai Tucson। बात करें दोनों गाड़ियाँ सब कॉम्पैक्ट SUV की कैटेगरी में आती हैं। हमने प्राइस के हिसाब से इनका वेरियंट लिया है। Glory में 580 Pro एक प्रो वेरियंट एक ही है इनका, और Hyundai के दो वेरिएंट हैं जिनमें हमने प्राइस के हिसाब से Hyundai का बेसिक वेरिएंट जो कि Hyundai Tucson फ्रंट व्हील ड्राइव GLS स्पोर्ट लिया है, इसके ऊपर एक ही इसका वेरिएंट टॉप ऑन द लाइन आता है जो कि ऑल व्हील ड्राइव अल्टीमेट है। उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है इसलिए हमने इसका बेस वेरिएंट लिया है। आज हम इन दोनों गाड़ियों का एक क्विक कंपैरिजन करवाएंगे और मैं आपको बताऊंगा इन गाड़ियों में कौन सी चीज़ आपको अच्छी देखने को मिलती है और कौन सी चीज़ बुरी है। चलिए दोस्तों अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशन की बात करेंगे। बात करते हैं इन गाड़ियों की लंबाई की, तो Glory की लंबाई 15 फुट 4 इंच है जबकि Tucson की लंबाई 14 फुट 8 इंच है। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई दोनों गाड़ियों की सेम है, 6 फुट दोनों गाड़ियों की चौड़ाई है। ऊंचाई की बात करूँ तो Glory की ऊंचाई ज़्यादा है, Glory की ऊंचाई 5 फुट 7 इंच है जबकि Tucson की ऊंचाई 5 फुट 5 इंच है। ग्राउंड क्लियरेंस Glory की ज़्यादा है, Glory की ग्राउंड क्लियरेंस 7.8 इंच है जबकि Tucson की ग्राउंड क्लियरेंस 6.7 इंच है। व्हील बेस भी Glory का ज़्यादा है क्योंकि Glory का व्हील बेस 9 फुट 1 इंच है जबकि Tucson की ग्राउंड क्लियरेंस की व्हील बेस की बात करें तो उसका व्हील बेस 8 फुट 9 इंच है। वेट की बात करें तो जब हर चीज़ में Glory ज़्यादा है तो वेट में भी वेट भी इसका ज़्यादा है। इसका वेट 1570 किलोग्राम है जबकि Tucson का वेट 1500 किलोग्राम है। अगर वेट का देखा जाए तो वेट में इतना डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों की फ्रंट लुक की। पहले बात करते हैं Glory की। Glory में आपको काफ़ी खूबसूरत किस्म की फ्रंट लुक देखने को मिलती है। इसमें आपको फ्रंट पर LED लाइट, ऊपर डेटा, ऊपर आपको रनिंग टर्न सिग्नल देखने को मिलता है और नीचे आपको डेटा में रनिंग लाइट देखने को मिल जाती है। ग्रिल की बात करें तो आपको ग्रैक्सी ग्रिल देखने को मिलती है जिसमें छोटे छोटे डॉट आपको देखने को मिल जाते हैं क्रोम के दरमियान में। आपको क्रोम फिनिश में आपको क्रोम में इसका मोनो देखने को मिल जाता है। फ्रंट में कैमरा है, दूसरी तरफ भी आपको इसकी हेडलाइट देखने को मिल जाती है। बॉडी कलर बम्पर है, बम्पर में आपको फोग लैंप लगे देखने को मिल जाते हैं। बात करें Tucson की फ्रंट लुक की, तो Tucson की फ्रंट लुक और Glory की नस्बत काफ़ी खूबसूरत है। काफ़ी खूबसूरत किस्म की आंख इसकी फ्रंट लुक देखने को मिलती है, ह्यूज किस्म की ग्रिल है। बात करें लाइट्स की तो LED लाइट्स इसमें भी देखने को मिलती है। इसमें आपको नीचे टर्न सिग्नल देखने को मिलता है। डे टाइम रनिंग लाइट का जो स्टाइल है वो काफ़ी मिलता जुलता है और DA5 से, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। बात करें ग्रिल की तो काफ़ी बड़ी इसमें आपको ग्रिल देखने को मिलती है जिसमें आपको क्रोम फिनिश की बॉर्ड साइड पर देखने को मिलती है नीचे भी, और दरमियान में आपको लाइनिंग देखने को मिलती है क्रोम फिनिश में। Hyundai का मोनो है दरमियान में क्रोम फिनिश में, दूसरी तरफ भी आपको हेडलाइट देखने को मिलती है। बॉडी कलर बम्पर है, बम्पर में आपको ब्लैक कलर का टच देखने को मिल जाता है और इसके साथ फोग लैंप लगे हुए हैं जिनके नीचे क्रोम फिनिश का काम है जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों की साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में आपको वाजिया कट्स वगैरह लाइंस वगैरह दिख रही होंगी। दोनों गाड़ियों में लाइंस वाजिया आपको दिख रही हैं जो कि फ्रंट से बैठक जा रही हैं। बात करें Glory की तो Glory में आपको टर्न सिग्नल देखने को मिलता है LED जो कि मिरर के ऊपर, बॉडी कलर डोर हैंडल और मिरर है, और मिरर के नीचे आपको कैमरा भी देखने को मिल जाता है दोनों साइड पर। जो कि बात करें Hyundai की तो Hyundai में आपको ब्लैक कलर का टच साइड पर देखने को मिल जाता है जो कि इस गाड़ी के पैनल्स और इसके साथ फ्रंट व्हील्स के ऊपर देखने को मिलता है। इधर भी आपको LED टर्न सिग्नल देखने को मिलता है मिरर के ऊपर और इसके साथ बॉडी कलर डोर हैंडल मिरर है। यहाँ आपको कैमरा वगैरह देखने को नहीं मिलता। इस साइड प्रोफाइल में आपको नोटिसेबल जो चीज़ है वो इसके अलॉय व्हील्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। दोनों गाड़ी में सेम व्हील्स आते हैं, 18 इंच के डायमंड कट्स अलॉय व्हील्स आते हैं। अलॉय व्हील्स की बात करें तो Glory ने जो पैड्स को रेड कलर का कर दिया उसमें, उसकी वजह से इसकी जो लुक है व्हील की वो ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि वो एक स्पोर्टी टाइप की लुक देती है गाड़ी को साइड प्रोफाइल्स में, तो इसलिए मुझे Glory के अलॉय व्हील्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों की इंटीरियर की बात करें तो पहले चलते हैं Hyundai Tucson की तरफ। Hyundai Tucson में आपको
लेदर और फैब्रिक सीट्स, लेदर प्लस फैब्रिक सीट्स देखने को मिलती हैं। और डोर के ऊपर आपको चार विंडो, पावर विंडो, विंडो वार, पावर विंडो, ऑटो मिरर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्टेयरिंग की बात करें तो शॉर्ट स्टेयरिंग है जो कि काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया है। स्टेयरिंग के ऊपर आपको काफ़ी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स और इसके साथ क्रूज कंट्रोल आपको स्टेयरिंग के ऊपर ही देखने को मिल जाता है। सेंटर कंसोल की बात करें तो सेंटर कंसोल काफ़ी अच्छा है। सेंटर कंसोल में आपको 10.1 इंच की आपको टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जो कि अच्छी है लेकिन एक अलहदा ही लुक देती है गाड़ी की इंटीरियर में। नीचे आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, डुअल जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। इसके साथ नीचे काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, स्टोरेज कंपार्टमेंट है, कप होल्डर है। ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें आपको 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है जो कि नॉर्मल ट्रांसमिशन है, आपको मैं इसमें CVT टाइप की ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिलती। सिर्फ 360 डिग्री कैमरा भी आपको इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलता। दूसरी तरफ आपको ग्लव बॉक्स और एसी वेंट मिल जाता है। सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद इसमें सिर्फ 2 एयरबैग्स है, इससे ज़्यादा आपको इसमें एयरबैग्स देखने को नहीं मिलते। काफ़ी वैसे फीचर हैं जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा गाड़ी के। और बात करें इसकी सीटिंग कैपेसिटी की तो ये गाड़ी 5 पैसेंजर बैठा सकती है। इसमें आपको बूट स्पेस बाकी देखने को मिलती है जो कि 877 लीटर की बूट स्पेस है। अब बात करें ग्लोरी की तो ग्लोरी के इंटीरियर में बैठते ही आपको एक फीलिंग आती है लग्जरी की, क्योंकि ग्लोरी ने इस दफ़ा अपने इंटीरियर, ग्लोरी ने काफ़ी काम किया अपनी गाड़ी में और एक लग्जरी लुक देने की बहुत कोशिश की है अपनी गाड़ी को, और इस कार चीज़ में वो ज़्यादातर कामयाब भी रही है। स्टेयरिंग की बात करें, स्टेयरिंग शॉर्ट स्टेयरिंग नहीं है लेकिन स्टेयरिंग की जो लुक है वो काफ़ी खूबसूरत है। इसमें आपको स्टेयरिंग के ऊपर सेम ग्लोरी की तरह आप टूसोन की तरह आपको सेम यहाँ मल्टीमीडिया कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल स्टेयरिंग के ऊपर मिल जाता है। SRS एयरबैग्स है, ग्लोरी का मोनो देखने को मिलता है इसमें। और सेंटर कंसोल की बात करें तो स्क्रीन छोटी है, 9 इंच की आपको स्क्रीन देखने को मिलती है, लेकिन इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा देखने को मिल जाता है इस स्क्रीन में। नीचे आपको एसी वेंट, नीचे क्लाइमेट कंट्रोल, टू जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है इस गाड़ी में। कप होल्डर हैं, स्टोरेज कंपार्टमेंट, 12 वाट का चार्जिंग पोर्ट, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं सेंटर कंसोल में। और इसके साथ इसमें आपको ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें आपको CVT ट्रांसमिशन मिलती है जो कि ऑटोमेटिक की नस्बत काफ़ी मॉडर्न और एक अच्छी ट्रांसमिशन समझी जाती है। बात करें गाड़ी की दूसरी तरफ भी आपको इसके ग्लव बॉक्स, एसी वेंट, SRS एयरबैग मिल जाता है। बात करें एयरबैग्स की तो इस गाड़ी में आपको 4 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं जो कि 2 से ज़्यादा हैं। जो कि फीलिंग की बात करें दोनों गाड़ियों की तो ग्लोरी में बैठने में ज़्यादा लग्जरी लुक आती है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें काम किया, जैसे कि लेदर का काम है, उसके ऊपर वाइट स्टिचिंग का जो काम किया गया वो बहुत बेहतरीन है। इसके साथ इसमें जो कि बैठने बैठ के आप हाथ लगाते हैं इंटीरियर को वगैरह को, तो आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आप काफ़ी लो क्वालिटी का या चीप प्लास्टिक, चीप लेदर का काम किया गया, अच्छी चीज़ का काम किया गया। इसके साथ यहाँ आपको दरमियान सेंटर कंसोल में एक पैड भी देखने को मिल जाता है जो कि मल्टीमीडिया कंट्रोल करता है, जो कि मैंने ज़्यादातर ओडी मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में देखा, जो कि इस गाड़ी में भी मुझे देखने को मिला, जो कि इसमें मज़ीद एक लग्जरी टच देता है। बात करें इसकी सीटिंग कैपेसिटी की तो यह 7 सीटर गाड़ी है, मतलब आप इसमें 7 पैसेंजर बैठा सकते हैं, लेकिन जब आप इसको 7 पैसेंजर बैठाते हैं तो आपको बूट स्पेस नहीं मिलती। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों की बैक लुक की। अब बैक लुक की बात करें तो दोनों गाड़ियों की बैक लुक काफ़ी अच्छी है। बात करें बैक लुक में टूसोन की तरफ तो टूसोन की बैक लुक एक डिफरेंट टाइप की बैक लुक है। आपको टर्न सिग्नल ब्रेक लाइट साइड पर देखने को मिलती है, जबकि टर्न इसका रिवर्स लाइट नीचे बम्पर में माउंटेड है। इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ आपको हाई माउंटेड ब्रेक लैंप, शॉक फिन एंटीना, बैक कैमरा देखने को मिल जाता है, ऑटो बूट स्पेस है, आप एक टच से बूट को ओपन और बंद कर सकते हैं। बूट स्पेस की बात करें तो अब मैंने जैसे पहले बताया 877 लीटर की बूट स्पेस आपको इस गाड़ी में देखने को मिलती है जो कि काफ़ी बड़ी है। अलॉय व्हील की बात करें तो अलॉय व्हील आपको गाड़ी के नीचे देखने को मिलता है, इसमें बूट स्पेस में नहीं होता इसका अलॉय व्हील। ये थी लुक, जबकि ग्लोरी की बैक लुक की तरफ आएँ तो ग्लोरी की बैक लुक काफ़ी मिलती जुलती है मर्सिडीज या ओडी की जो सी SUV आती है उनकी बैक लुक से काफ़ी मिलती है ग्लोरी की बैक लुक। ग्लोरी की बैक लुक में आपको रिवर्स लाइट, टर्न सिग्नल और इसके साथ ब्रेक लाइट यहीं देखने को मिलती है जो कि लावा स्टाइल है। DFS का मोनो देखने को मिल जाता है, ग्लोरी की बैजिंग है,
बैक पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं, ऑटो बूट स्पेस है, एक तरह से बूट ओपन और बंद हो सकती है। अगर आप 7 सीटर यूज़ करते हैं तो आपको बूट स्पेस ना होने के बराबर है, अगर आप नहीं यूज़ करते तो आपको अच्छी खासी बूट स्पेस देखने को मिल जाती है। ऊपर यहाँ भी आपको हाई माउंटेड ब्रेक लैंप, शार्पन एंटीना और बैक वाइपर देखने को मिलता है स्क्रीन के लिए। फ्यूल टैंक की बात करें तो दोनों गाड़ी में फ्यूल टैंक अच्छा खासा आपको मिल जाता है। ग्लोरी में आपको 58 लीटर का, जबकि टूसॉन में आपको 62 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। बात करें इन दोनों गाड़ियों की ब्रेक और सस्पेंशन की, सस्पेंशन की बात करें तो दोनों गाड़ी में फ्रंट में तो सीम पर सस्पेंशन आती है, दोनों गाड़ी में फ्रंट में मैक पर्सन स्टड सस्पेंशन आती है जो कि अच्छी सस्पेंशन है। जबकि बैक की बात करें तो ग्लोरी में बैक में पुशबिन, जबकि टूसॉन में आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन देखने को मिलती है। तो सस्पेंशन की बात करें तो दोनों सस्पेंशन बहुत अच्छी हैं। ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में पुशबिन सस्पेंशन बैक पर यूज़ की जाती है, मल्टी लिंक कम देखने को मिलती है गाड़ियों में, तो लेकिन दोनों सस्पेंशन बहुत अच्छी सस्पेंशन है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की, तो ग्लोरी की बात करें तो ग्लोरी में आपको 1500 cc का इनलाइन 4 सिलेंडर DOSC टर्बो चार्ज इंजन देखने को मिलता है। टर्बो चार्ज होने की वजह से इसकी गाड़ी का इंजन 150 हॉर्स पावर और 220 Nm टॉर्क पैदा करता है। जबकि अगर टूसॉन की बात करें तो टूसॉन में आपको 2000 cc का इंजन देखने को मिलता है। ये सेम वही इंजन है जो कि किया स्पोर्टेज में यूज़ होता है। इसमें आपको 2000 cc का इनलाइन 4 सिलेंडर DOSC 16 वॉल्स MPI इंजन देखने को मिलता है। बड़ा इंजन होने के बावजूद इसकी हॉर्स पावर और टॉर्क में इतना फ़र्क नहीं है दोनों गाड़ी में। टॉर्क हॉर्स पावर की बात करें तो 155 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है ये गाड़ी और 196 Nm टॉर्क देख सकते हैं। हॉर्स पावर की बात करें तो 5 हॉर्स पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करती है और टॉर्क कम प्रोड्यूस करती है ग्लोरी की नस्बत। ये थी दोनों गाड़ी। हाँ, इससे ये फ़र्क हो जाता है कि ग्लोरी की माइलेज कम हो जाती है, टूसॉन की माइलेज भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, तकरीबन सेम है, इसलिए माइलेज का भी जो सर रोला है वो ख़त्म हो जाता है। अब बात करें इन दोनों गाड़ी के स्पीड फीचर की जो कि इन गाड़ियों में मिलते हैं। बात करते हैं वो फीचर जो कि दोनों गाड़ियों में सेम है। सेम फीचर की पहले बात करते हैं, दोनों गाड़ी में आपको ABS ब्रेक देखने को मिलती है, इमोबिलाइजर देखने को मिलता है, डाउनहिल असिस्ट और हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल देखने को मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलता है, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, इसके साथ बैक कैमरा, सेंट्रल लॉकिंग जैसे सेफ्टी फीचर आपको कई गाड़ियों में देखने को मिल जाते हैं। ये थे वो फीचर जो दोनों गाड़ियों में सेम हैं। अब वो फीचर की बात करते हैं जो कि इजाफा ही आपको देखने को मिलते हैं। टूसॉन में सिर्फ आपको एक फीचर ज़्यादा देखने को मिलता है, कूल बॉक्स। इस गाड़ी में आपको कूल बॉक्स भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं ग्लोरी की, जो कि ग्लोरी में फीचर ज़्यादा देखने को मिलते हैं टूसॉन के इस पर। इसमें आपको 4 एयरबैग्स देखने को मिल जाती हैं, इसके साथ 360 डिग्री कैमरा है, पार्किंग सेंसर हैं और बैक फ्रंट साइड पर भी आपको कैमराज देखने को मिल जाते हैं। और दोनों गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ आता है जो कि आज के वक्त में SUV में एक कॉमन चीज़ हो गई है। ये था इन दोनों गाड़ियों के फीचर। आज की वीडियो में मैंने आपको इन दोनों गाड़ियों के स्पेस और फीचर के मतलब बताया। अब इन दोनों गाड़ियों के मैं प्राइस बताता हूँ। ग्लोरी की प्राइस 54 लाख रुपीज़ है, जहाँ के टूसॉन की प्राइस 58 लाख रुपीज़ है, मतलब 4 लाख रुपये का डिफरेंस है, लेकिन फीचर सेम है और चीज़ें भी आपको ज़्यादातर सेम देखने को मिलती हैं। बस ये है कि ग्लोरी एक चाइनीज मैन्युफैक्चर कंपनी है, जो कि हुंडई एक माना हुआ ब्रांड है जो कि काफ़ी पहले भी पाकिस्तान में काम करता रहा है और फिर दोबारा पाकिस्तान में काम कर रहा है। लेकिन हर बंदे की अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि उसको कौन सी गाड़ी पसंद है कौन सी नहीं। मैं हमेशा गाड़ी को वैल्यू टू मनी के हिसाब से देखता हूँ, तो वैल्यू टू मनी के हिसाब से देखा जाए तो ग्लोरी इस चीज़ में क्लीन विनर है। वैल्यू टू मनी के हिसाब से गाड़ी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी प्राइस में काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो कि 7 सीटर है, मतलब आप 7 पैसेंजर बैठा सकते हैं। माना कि इसकी लास्ट रो में अडल्ट ज़्यादा अच्छी तरीके से बहुत मुश्किल से बैठते हैं, लेकिन मैंने बैठ के देखा इतना भी मुश्किल नहीं है बैठना। अगर आपकी हाइट एक नॉर्मल हाइट है जैसे कि 5'7" 5'8" तो काफ़ी ईजिली आप पीछे थर्ड रो पर बैठ सकते हैं इस गाड़ी के। ये था दोस्तों हमारा आज का रिव्यू, आज का कंपैरिजन इन दोनों गाड़ियों के मुतलिक। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कंपैरिजन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये कंपैरिजन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।